संडे हो गई पार्टी तो उधर गई तो बच्चों के लिए आ गया गर्मा गर्म कचौड़ी। खेसारी का साग कितना टेस्टी लगता है, वो भी चावल पे, और उसको खाना है। सीजन में एक बार तो मिलता है, उसको तो खाना है। सुंदर कब है कि क्या होता है, बहुत सुंदर है दोनों तरफ, बहुत ही। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो फिर से आ गई हूँ मैं वॉक करने के लिए, और ये आदमी मास्क लगा के नहीं आया बैग लेके आए हैं, और मास्क मैं ले ली हूँ क्योंकि ठंड में ना मुंह ढक जाता है तो अच्छा रहता है, ठंड से भी बचने का रहता है। और मैं चल रही हूँ अभी वॉक करने, बहुत ही प्यारी धूप निकली है, देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं बाहर। में ना वीडियो शूट करने में बहुत बुरा लगता है, कैमरा उठा के जैसे कोई बात करती हूँ तो सारे लोग ना मुझे ही देखने लगते हैं क्या करती है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना बाहर में। पांडे जी कभी कभी बोलेंगे ना, बोला मत करो, चुपचाप शूट कर लिया करो, बाहर बाद में आवाज़ डाल दिया करो। आज जो सुबह मैं निकली वॉक करने, तो अब जाके मैं आई हूँ फ्रेंड, और घर का सारा सामान लेके, राशन वगैरह, ये कुछ सामान वगैरह है जो मैं लेके आई हूँ। उसके बाद दिखाऊँ मैं आपको कुछ, ये देखिए ये है रज़ाई जो मेरे पास डबल बेड का, हमने बहुत ही पहले ही एक रज़ाई बनवा लिया था, बहुत बड़ा सा रज़ाई हमने बनवा लिया था, तो वो कुछ दिन तो हमने इस्तेमाल किया, फिर बहुत ही बड़ा लगने लगा और हमने यूज़ ही नहीं किया, वो ऐसे ही पड़ा रह गया था। आवाज़ आ रही है सामने ना, काम हो रहा है वो, तो क्या करें हम, आवाज़ तो आएगी ही, मैं करूँ तो क्या करूँ। ला के सबसे जरूरी हो जाता है सामान समेटना। इसको तो डायरेक्ट इतना सा है, ये इसको इसी में रहने देती तो अच्छा रहता। सुनो तो इसको निकाल के वापस इसी में रख देते हैं, क्योंकि जिप वाला अच्छा ही है। ये हो गया गड़बड़, ये जो है ना इसको मैं वापस से इसी में रख देती हूँ, और ये खजूर इसमें करके रख देती हूँ। साग भी बनाना है, यही हो जाता है ना, साग लो ना तो बड़ी समस्या हो जाती है, फिर साग को साफ करना है। ये देखिए खेसारी का हमारे घर में देखिए क्या आया है, आया है साग, इसको भी बनाना है अभी, देख ही रहे हैं। एक साग वहाँ रखा हुआ है, उसको भी अभी साफ करूंगी मैं धूप में बैठ के।
खाना भी बनाना है मुझे और इतनी लेट हो चुकी हूँ मैं आज। संडे हो गई पार्टी तो उधर गई तो बच्चों के लिए आ गया गर्मा गर्म कचौड़ी। तो परी को दे देती हूँ, इसको धूप में बैठ के खाऊंगी। सिर्फ खाने की चीजें हो रही है, सिर्फ खाने की चीजें, पूछिए मत। अभी बथुए रखे हैं उसको बनाने, खिसाड़ी का साग जो बिहार की होगी उसको पता होगा खिसाड़ी का साग कितना टेस्टी लगता है, वो भी चावल पे, और उसको खाना है। सीजन में एक बार तो मिलता है उसको तो खाना है। और देखिए फ्रेंड मैं क्या लेके आई हूँ, मक्के का आटा है ये, और जो कि मक्के का आटा जो बनाना तो आता नहीं है मक्के की रोटी अच्छे से, लेकिन कोशिश करूँगी बना लूँगी, खुद ही खाना है ना तो बना लूँगी। और ये है चावल का आटा, जो हर बार घर जाती हूँ तो मम्मी मेरी पिसवा के देती हैं मुझे चावल का आटा। इस बार भी मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था, उसके बाद भी बोल रही थी चावल का आटा पिसवा लेना बहन को, छोटी वाली बहन को बोल रही थी, वो गांव में थी ना, घर में घर गई थी, गांव में थी, मम्मी लोग भागलपुर में थी, तो मम्मी बोल रही थी क्या वो घर गई है उसको बोलो चावल का आटा पिसवा के वो दे देगी, तो बोले नहीं चावल का आटा नहीं वहाँ पर भी मिलता है हम ले लेंगे, नहीं तो हम घर में मिक्सी में बना लेंगे। वही होता है ना, माँ बाप हैं तो उन्हें चिंता होती है मेरे बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते क्या पसंद करते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ दिया जाता है। इतनी तबीयत भी उनका ख़राब था, उसके बाद भी उनको था कि ये जा रही है तो अभी इसको ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, ऐसे दे दो, पूछिए मत। ये होते हैं ना माँ बाप, तो माँ बाप होते हैं। तो हमने लिया था, बताया ना रजाई लिया था, पर कितना सुंदर कवर है कि क्या बताएं, बहुत सुंदर है दोनों तरफ, बहुत ही प्यारा सा कवर है ये। और मैं इसको करके देखती हूँ थोड़ा सा। चैन है क्या है? चैन लगा हुआ है। और टीवी पहले तो नहीं, और हमने बनवाई थी दो एक रजाई, तो रजाई जो है ना मेरा काफी बड़ा हो गया, तो मैं सोची अभी यहाँ पे हूँ और हमारे आस पास ही है वो, देखिए कितना सुंदर, एकदम एक इंच बड़ा एक इंच छोटा नहीं आया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है, एकदम भी खूबसूरती के साथ आ गया। और अब मैं आज की आज दूसरा अभी अभी कभी बुक करके दूसरा भी कवर वगैरह लगा के मैं इसको रख दूंगी अंदर, क्योंकि हमें इसकी अभी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कोई आएगा भी घर में, कोई आएगा जाएगा भी, तो उसके लिए भी हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, और बच्चे बड़े हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी। अभी तो फिलहाल चल जा रहा है काम हमारा, क्योंकि एक ही बेड पे हम लोग सब लोग सो जाते हैं तो काम चल जाता है। कपड़े बहुत अच्छे हैं, दो है तो इसीलिए मैं बाहर ही रखी हूँ, क्या जब तक कवर वगैरह लगा नहीं दूंगी तब तक इसको मैं अंदर रखूंगी नहीं, अभी रख देती हूँ इसको यहीं पे। थोड़ा सा जो है ना खाने पीने का देख लेती हूँ, खाना पीने का कर लेती हूँ, साग वगैरह बनाना है अभी तो थोड़ा सा साग वगैरह, बाद में इसको थोड़ी देर में इसको धुलूंगी, क्योंकि बाहर भी यहाँ वहाँ बहुत कपड़े पड़े हैं, ऊपर से काम हो रहा है ना तो वगैरह। और ये देखिए साथ साथ कुछ भी रखने के लिए सब ये इसमें मैं रखूंगी, ये बैग है हमारा, इसी बैग में करके मैं अच्छे से रख देती हूँ कि आगे काम आए। ये स्पेशली बैग बनवाए हैं हम, नहीं पांडे जी ये बैग हमने बनवाया है, दो बहुत अच्छा होता है। हाँ जी मैडम। मैडम की हालत तो ऐसी की तैसी हो गई है, वहाँ जाओ जॉगिंग कर रहे हैं, यहाँ आके फिर बैठ के सांस चलाओ, कमर और पीठ जो है ना दर्द हो रहे हैं मेरे बैठे बैठे, अति हो गया अति। मैडम पूरी तरह से खुश है इस साग को देख के और बहुत मजा आ रहा है इनको। अरे ये तो उल्टा ही बोल रहे हैं आप, मैं तो कुछ और बोल रही थी। और इतना ही ज्यादा खाने में मजा आने वाला है, अभी मैडम का मैं हेल्प करूंगा बैठ के यहाँ पे। पता है ये साग आज ले ली लेकिन अब मैं नहीं लूंगी, बहुत टाइम खराब होता है, इस साग खिलाने के लिए कम से कम 3-4 आदमी चाहिए, ठीक है मैं कहाँ से लाऊं 3-4 आदमी। ये तो शुक्र है कि पांडे जी को थोड़े बहुत वक्त होते हैं, तो वक्त ये है कि इनको वीडियो शूट करने जाना नहीं है, कोई काम ऐसे भी फिलहाल
नहीं है जल्दीबाजी वाला, नहीं तो फिर ये मेरा बात भी ना सुने, साग तो दूर की बात है। देखा कितनी तारीफ करते हैं मैडम हमारी। और ये बाल्टी में भी, ये बाल्टी खरीदा गया भाई साहब, हाँ, साग के लिए, ये साग के लिए स्पेशल, ये नई बाल्टी जो है ये साग के लिए आया हुआ है ताकि इसमें साग अच्छे से धुल जाए। और यहाँ पे देखिए साग भी पड़े हैं, साग है ही इसमें, देख रहे हैं साग धुलने वाला है। मैडम आज तो जलसा है बिल्कुल। ये लो जी, मेरी जिंदगी खराब हो रखी है इस साग के चक्कर में, आपको जलसा दिख रहा है। मैडम बहुत खुश हो रही है इस साग को देख के कि बिल्कुल खाना है, जो मेहनत किया है उसका फल मिलने वाला है। वहाँ अपने बाप, मेरी तो हालत ऐसी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं नहाई धोई तक नहीं हूँ, आप ये सोच लो ऐसी हालत है। अब नहीं बाबा, ये अब नहीं, एक बार ले लिया हो गया, अब मुझसे तो भाई मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं जो मैं इसको बना पाऊँ। बहुत पेशेंस चाहिए इसको बनाने के लिए और बहुत हालत खराब हो जाती है। तो ये साग बन रहे हैं और देख रहे हैं मैडम बहुत खुश है, निकालना पड़ गया, क्या खुश है बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात करने लगे हैं पांडे जी आजकल। अब ये थोड़ा सा गल जाए उसके बाद फिर इसको डालूंगी। देखिए यही है, एक दिन मेहनत किया ये चार दिन चलेगा, ये जिंदा है। देखिएगा जब खाएगी ना मैडम फ्रिज में रख रख के, और मुरमुरे मंगवाएगी, मुझे पता है 250 ग्राम मुरमुरे आएगा। और उसके नहीं, मैं चावल पे खाती हूँ, मुझे चावल पे ज्यादा पसंद है, मुरमुरे में मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मुरमुरे में जिसको पसंद है ना, उन्होंने बोल दिया कि 250 ग्राम मंगवाना है। यहाँ पे भी देखिए साग ही बन रहा है, ये भी साग ही है, इतना हेल्दी हो रहा है सो देखिए पेट बाहर ही निकला है हेल्दी का खा के। ये मेथी का है,